हेलो लवली चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? फाइन, हैप्पी, हेल्दी? यस। चलो आज क्या करेंगे? आज मैं आपको कर्सिव राइटिंग में आगे सिखाती हूँ। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। हमने ए बी सी एंड डी सीखा था, आज हम ई सीखेंगे। ठीक है, तो चलो कैसे करेंगे। यहाँ से ये फर्स्ट ब्लू लाइन है ना, यहाँ से टेल करके फिर ऊपर जाएंगे, फिर लूप बना के नीचे आएंगे, फिर नीचे आके ऐसे काउ करेंगे। दिस इज ई। ई फॉर इरेजर, ई फॉर एमो। एमो एक बर्ड होता है, ठीक है, कोई ईमो बोलता है, कोई एमो बोलता है। ये है ना फ्लाइटलेस बर्ड है, ये उड़ नहीं सकता। ओके, चलो दिस इज ई। फिर से मैं लिख के दिखाऊँ आपको। चलो यहाँ से फर्स्ट ब्लू लाइन है ना, यहाँ से शुरू करना है, ऊपर रेड लाइन को टच करके नीचे आना है, फिर ऐसे नीचे जाके ब्लू लाइन को टच करके ई बनाना है। दिस इज ई। ओके, लाइक दिस, दिस इज ई, कैपिटल ई। ओके, तो चलो ये आपकी वर्कशीट है, हम इसमें करते हैं। कैसे करेंगे? फर्स्ट ब्लू लाइन से ऊपर जाके काउ करके नीचे आके ऐसे। ओके, चलो हम थोड़ी सी लाइन पतली कर देते हैं, हाँ, पेंसिल की अच्छे से लिख पाएंगे। लाइक दिस, दिस इज ई। यहाँ से ऊपर जाके ऐसे करना है, फिर नीचे आके ऐसे। दिस इज ई। यहाँ से मत करना, हाँ, कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, दिस इज रॉन्ग। ओके, कैसे करेंगे? फर्स्ट ब्लू लाइन को टच करके लाइक दिस, ये अपर स्ट्रोक में आएगा, है ना, ऊपर की रेड लाइन को टच करता है तो अपर स्ट्रोक। दिस इज ई। डायरेक्शन देखोगे ना तो अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ से कैसे जाना है एंड कैसे लिखना है। दिस इज E, this is E। यहाँ से फर्स्ट ब्लू लाइन से ऊपर जाके ऐसे काउ करके फिर नीचे आके ऐसे। ये मैं फिंगर से करती हूँ ना तो ये थोड़ा ऐसे बाहर निकलता है, आपको नहीं निकलना है, हाँ, आप पेंसिल से करोगे ना तो आपका नहीं निकलेगा। ओके, लाइक दिस, समझ आया आपको? चलो मैं ब्लैंक बॉक्स में करके दिखाती हूँ आपको। ऐसे ऐसे, दिस इज ई, है ना, ऐसे आपको क्या लिखना है, कैपिटल ई, कर्सिव कैपिटल ई, कर्सिव कैपिटल ई, दिस इज ई, दिस इज ई, दिस इज ई, है ना, यस। तो आप ये पूरी वर्कशीट में ऐसे ई लिखना, ठीक है। चलो अभी कौन सा आएगा, स्मॉल ई। देखो स्मॉल ई कैसे लिखेंगे, ब्लू लाइन के बीच में कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू करके ऊपर जाके ऐसे। दिस इज ई, स्मॉल ई, दिस इज स्मॉल ई, ठीक है। चलो ई फॉर ईगल, ई फॉर अर्थ, अर्थ भी होता है ना, यस। चलो अभी ये ई लिखेंगे हम। ओके, कैसे लिखेंगे, ब्लू लाइन के अंदर सेकेंड ब्लू लाइन से टच करके लेना है, ऊपर की ब्लू लाइन को टच करके ई बनाना है। ई फॉर एलिफेंट, ई फॉर ईगल, ई फॉर अर्थ, ई फॉर एमू, है ना, होता है ना ऐसे, यस। अभी चलो ब्लैंक बॉक्स में लिख के दिखाती हूँ मैं। ओके, लाइक दिस ई, दिस इज ई। For razor, for emu, for eagle,
E. This is E. Okay. चलो E हो गया. अभी हम सीखेंगे A B C D E. उसके बाद क्या आता है F. F for fox. F for fish. F for flower. होता है ना? Yes. तो चलो F कैसे लिखेंगे? Look at here. हाँ देखो ये first ऊपर की जो red line है ना, यहाँ से ऐसे करके ऐसे नीचे आना है और यहाँ पे ऐसे लाइन करनी है. दिस इज F. ऐसे आएंगे, T जैसे बनाएंगे और यहाँ पे लाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा? F. अभी चलो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? लुक एट हियर. यहाँ पे देखना. हाँ ऐसे करके ऐसे आ जाएंगे, फिर ऐसे. दिस इज F. दिस इज F. कैपिटल F. क्या है ये? कैपिटल F. दिस इज कैपिटल F. कसी कैपिटल F. ठीक है ना? चलो अभी मैं ब्लैंक में लिखना सिखाती हूँ आपको. ओके ऐसे करके ऐसे फिर ऐसे लाइक दिस. ओके दिस इज F. This is F. This is F. F for fish. F for flower. तो ऐसे आपको F लिखना है. ओके चलो आप पेंसिल से करोगे ना तो आपका और अच्छा होगा. ठीक है ना? देखो चलो अभी स्मॉल F. F फॉर फैन. F फॉर फिश. F फॉर फ्लैमिंगो. दिस इज फ्लैमिंगो. ये बर्ड का नेम क्या है? फ्लैमिंगो. ओके तो चलो इसमें कैसे करते हैं ये ध्यान से देखना. हाँ इसमें अपर स्ट्रोक भी है, डाउन स्ट्रोक भी है. देखो यहाँ से सेकेंड ब्लू लाइन से शुरू करना है एंड ऊपर जाके नीचे आना है. ऊपर ही अपर स्ट्रोक लिया हमने, ऊपर की रेड लाइन को टच किया, अभी नीचे की रेड लाइन को भी टच करना है. तो ये क्या बन गया? F. क्या बन गया ये? F. ओके फिर से दिखाती हूँ. ठीक है ये नीचे की ब्लू लाइन से शुरू करके ये यहाँ तक करते हैं ना तो ये L हो गया. ठीक है अभी इसको नीचे भी जाना है, नीचे की रेड लाइन को भी टच करना है. तो डाउन स्ट्रोक भी हुआ, ये डाउन स्ट्रोक हुआ ना ऐसे, फिर ऊपर जाना है, फिर उसकी टमी में से ऐसे टेल निकालनी है. दिस इज F. फिर से करके दिखाती हूँ मैं आपको. ठीक है सेकेंड ब्लू लाइन से शुरू करके ऊपर की रेड लाइन को टच करना है तो अपर स्ट्रोक हुआ, अभी नीचे की रेड लाइन को टच करो तो क्या हो गया? डाउन स्ट्रोक. फिर ऊपर जाओ और जो फर्स्ट ब्लू लाइन है ना वहाँ से उससे थोड़ा नीचे या मिडल इसमें यहाँ से ऐसे लूप निकालो, लूप करके टेल निकालो. दिस इज F. ऐसे करके ऐसे करके ऐसे. ठीक है ना? ऐसे लाइक दिस. दिस इज F. अभी देखो F एंड B दोनों को सेम ही तरीके से लिखते हैं, उसकी डायरेक्शन सेम होती है, लेकिन डिफरेंस क्या होता है मैं आपको दिखा दूँ. B कैसे होता है? यहाँ से जाके उसमें डाउन स्ट्रोक नहीं होता है, यहीं से ही हम क्या करते हैं? टर्न हो जाते हैं. ठीक है ना? जैसे कि यहाँ से शुरू किया हमने, नीचे आ गए और यहाँ से दिस इज़ बी, और यहाँ से जाके नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाते. नीचे की ये यहाँ पे जो लाइन होती है ना ब्लू रेड कलर की, इसको टच करते हैं और यहाँ पे यहाँ तक ही होता है. ठीक है बी में ब्लू लाइन को टच करते हैं और एफ में नीचे रेड लाइन तक आते हैं. तो दिस इज़ द डिफरेंस. ओके लिखने का डायरेक्शन सेम है पर F में अपर स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक दोनों होते हैं, ऊपर जाके फिर नीचे भी आना होता है.
जबकि बी में ऐसा नहीं होता है। तो लिखने का डायरेक्शन सेम है, पर बी है उसमें अपर स्ट्रोक आएगा एंड एफ में अपर स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक दोनों आएगा। ठीक है, चलो अभी हम नीचे लिखते हैं, हम ब्लैक कलर ले लेते हैं। ओके, चलो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा वीक कर देंगे इसको। यस, यहाँ से शुरू करेंगे, ऊपर जाएंगे रेड लाइन को, नीचे की रेड लाइन को भी टच करेंगे। समझ आया? दिस इज एफ, एफ फॉर फ्लावर, एफ फॉर फिश। कुछ बच्चों को एफ डिफिकल्ट लगता है, बट इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। सबसे पहले एल किया, एल फॉर लाइन, यहाँ तक भी नीचे आ जाओ, नीचे की रेड लाइन को टच कर दो, ऊपर जाके लूप बना के बाहर, टेल को बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, एफ। नीचे की ब्लू लाइन से शुरू किया, ऊपर रेड लाइन को टच करके सीधा नीचे आ गए, नीचे की रेड लाइन को टच करके ऊपर जाके लूप बना के टेल को बाहर निकाला, दिस इज एफ, है ना, सो सिंपल। एफ, दिस इज स्मॉल एफ, ओके, स्मॉल कर्सिव एफ। चलो अभी ब्लैंक में करके दिखाऊं मैं आपको, यहाँ से सेकेंड ब्लू लाइन से जाकर ऊपर जाना है, रेड लाइन को टच करके नीचे आना है, नीचे की रेड लाइन को टच करके ऊपर जाके लूप बना के टेल को बाहर निकलना है, दिस इज एफ, दिस इज एफ। ये एफ है ना, ये 1, 2 एंड 3 यहाँ से लेके यहाँ तक सब लाइन में आएगा, है ना। देखो मैं सारे अल्फ़ाबेट लिख के अभी तक जितने सीखे ना वो लिख के दिखाऊँ मैं आपको। ए कैसा होता है, दिस इज ए। बी कैसा होता है, ऊपर की दो लाइन में, ठीक है, ए ऊपर की दो लाइन में। सी कैसे हुआ था, सी हुआ था ऐसे, ठीक है। फिर डी कैसे हुआ था, ऊपर की दो लाइन में। ई कैसे हुआ था, ऊपर की दो लाइन में। पर एफ, एफ कैसे हुआ था, ऊपर की दो लाइन में। पर जो जी कैपिटल एफ है ना, ऐसे था। अभी यहाँ तक हम सीखे, अभी मैं स्मॉल वाली सिखाती हूँ आपको। स्मॉल कैसी थी, ऐसी थी, ए बी सी डी ई। अभी देखो ये एफ कैसे है, नीचे की लाइन में भी आता है ना, तो इसमें क्या है, अपर स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक दोनों है। समझ में आ गया आपको, ए बी सी डी ई एफ। अभी आपको मैं सिखाऊंगी जी, ओके। चलो जी फॉर जिराफ एंड जी फॉर ग्लोब। ये जो होता है ना मॉडल, इसको ग्लोब भी बोलते हैं, अर्थ का मॉडल होता है, उसको क्या बोलते हैं, ग्लोब। चलो अभी जी कैसे लिखेंगे, यहाँ से शुरू किया, जो ऊपर की ब्लू लाइन होती है ना वहाँ से टच करके ऐसे लूप बनाया और नीचे की सेकेंड ब्लू लाइन को टच करके नीचे रेड लाइन को गए, दिस इज जी। व्हाट इज दिस जी, ये भी कैसे है, अपर स्ट्रोक भी है डाउन स्ट्रोक भी है, है ना। ये अपर स्ट्रोक होगा, ये नीचे आए तो क्या हो गया, डाउन स्ट्रोक, दिस इज कैपिटल कर्सिव जी। चलो यहाँ पे लिख के देखेंगे हम, कर्सिव कैपिटल जी कैसे होगा, लाइक दिस। यहाँ से लूप बनाया, फिर नीचे आ गए, टेल करके लूप बनाया, फिर नीचे आ गए, इसमें भी अपर स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक दोनों है, दिस इज कर्सिव कैपिटल जी। ये कैपिटल जी है, हाँ स्मॉल जी नहीं है, स्मॉल जी मैं आपको सिखाऊंगी, दिस इज जी, दिस इज जी, दिस इज जी। कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, इट इज ऑल्सो ओके, ये भी सही है ना। चलो अभी मैं आपको ब्लैंक लाइन में लिख के दिखाती हूँ, ठीक है, दिस इज जी, ऐसे भी कर सकते हो आप, हाँ
Mrs. G. This is G. Okay, चलो अभी हम small g सीखेंगे. G for garlic, G for glass. ये small g कैसे होगा? सेम है, पर कैसे करना है? नीचे की लाइन से करना है ना? थोड़ा सा ही डिफरेंस है. जैसे कि आप ए करते हो ना, ए फॉर एप्पल किया, नीचे आ गए और लूप बना के टेल निकाल दी. दिस इज कर्सिव स्मॉल जी. ठीक है, चलो करते हैं. हाँ, इसमें भी कैसे करेंगे? ऐसे सी कर किया, फिर ऐसे करके ऐसे, या फिर ऐसे भी बोल सकते हो कि ए फॉर एप्पल किया, नीचे आके लूप बना के टेल निकाल दी, है ना? यस, दिस इज स्मॉल जी, दिस इज स्मॉल जी. ठीक है ना? चलो अभी मैं आपको ब्लैंक बॉक्स में करके दिखाती हूँ. हाँ, दिस इज स्मॉल जी, दिस इज स्मॉल जी. कुछ बच्चे ऐसे भी करते हैं, पर सही में तो ऐसे ही होता है. हाँ, लाइक दिस. ओके, चलो समझ आ गया. फिर से एक बार करके दिखा दूँ. ऐसे ए किया, फिर नीचे डाउन स्ट्रॉ लूप बना के टेल निकाल दी. ए बनाया, डाउन स्ट्रॉक, नीचे आ गए, रेड लाइन को टच करके लूप बना के टेल बना दी. दिस इज स्मॉल कर्सिव जी, है ना? यस, अब डायरेक्शन पता चल गई आपको. ठीक है, ए ए बी सी डी ई एफ जी. अब क्या आएगा? एच. क्या आता है? एच. एच फॉर हैट, एच फॉर हैट होता है ना? यस. एंड एच फॉर हिप्पोपोटेमस. ओके, चलो ये कैसे करेंगे ध्यान से देखना. हाँ, चलो मैं अलग कलर ले लेती हूँ. कौन सा लेंगे? ब्लू कलर, तो दिखेगा आपको अच्छे से. चलो कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो ऊपर की रेड लाइन होती है ना, यहाँ से आप जो आप एफ बनाते थे ना, ऐसा बनाओगे तो भी चलेगा, है ना? एफ के लिए हम ऐसे करते थे ना, ऐसे ऐसा किया आपने. इसके बाद यहाँ पे स्लांट लाइन करके ऊपर जाके लूप बना के टेल निकालनी है. दिस इज एच. फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको. ऐसे करके ऐसे किया हमने, फिर साइड में स्लांट लाइन की, ऊपर गए, लूप बना के टेल निकाली. दिस इज एच. व्हाट इज दिस? एच. फिर से एक बार देख लो. ऐसे हम जैसे एफ बनाते हैं या टी बनाते हैं, ऐसे किया, फिर थोड़ी सी स्लांट लाइन की नीचे की सेकेंड ब्लू लाइन तक, रेड टू ब्लू, एंड फिर हमने क्या किया, ये लूप बनाया, लूप बना के हमने टेल निकाल दी. दिस इज एच. चलो अभी हम यहाँ पे करेंगे, ऐसे करके ऐसे, फिर नीचे स्लांट लाइन करके नीचे आके लूप बना दिया. दिस इज एच, दिस इज एच. एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, है ना? देर आर सो मैनी वर्ड्स स्टार्ट विथ एच. चलो अभी ब्लैंक लाइन में दिखाते हैं. ठीक है, कैसे करेंगे? एच. एच फॉर हॉक, एच फॉर हुक, एच. व्हाट इज दिस? एच. क्या है ये? एच. ऐसे एफ बनाते हैं ना हम, या टी बनाते, ऐसे किया स्लांट लाइन की, ऊपर गए लूप बना के बाहर. इस तरह से हम क्या बनाएंगे? एच. एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हेलीकॉप्टर, है ना? यस. सो दिस इज एच. अभी आपको एच का डायरेक्शन पता चल गया, कर्सिव कैपिटल एच. अभी मैं आपको सिखाऊंगी स्मॉल एच. तो चलो स्मॉल कर्सिव एच कैसे करेंगे?
यहाँ से नीचे से सेकंड ब्लू लाइन से ऐसे करके इसको एल बोलते हैं, ये यहाँ तक एल, यहाँ से वापस ऊपर जाओ एंड एच बना दो, दिस इज एच। फिर से करते हैं, चलो पहले तो सेकंड ब्लू लाइन से ऊपर रेड लाइन में अपर स्ट्रोक किया, एल जैसा बनाया, वापस वहाँ से ऊपर जाके लाइक दिस, दिस इज एच। व्हाट इज दिस? एच, एच फॉर हॉर्स, एच फॉर हाउस, है ना, एच फॉर हिबिस्कस। देखो दिस इज हिबिस्कस, दिस इज वन टाइप ऑफ शू फ्लावर, है ना। चलो अभी इसमें लिखेंगे, यस चलो कैसे लिखते हैं देखो, लाइक दिस ऐसे, ओके। इससे पहले एल जैसा बनाया और फिर इस तरह से हमने एच बना दिया, लुक एट हियर, अपर स्ट्रोक में होता है ये, है ना, यस, इसमें डाउन स्ट्रोक नहीं होता है। चलो अभी मैं आपको ब्लैंक में दिखाती हूँ, ठीक है ना, दिस इज एच, दिस इज एच, और थोड़े से दिखा देती हूँ मैं आपको एच, दिस इज एच, इसको है ना ये सिर्फ टच करना, हाँ फर्स्ट ये दो ब्लू लाइन जो होती है ना उसको, उसके बीच में ये शेप आता है, ये वाला, ओके टच करना है। कुछ बच्चे कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे कर देते हैं, दिस इज नॉट राइट, कैसे करना है ऐसे करके फिर ऊपर जाना है, टच करना है फर्स्ट ब्लू लाइन को, ओके लाइक दिस, दिस इज एच, दिस इज एच। अब पेंसिल से लिखोगे ना तो अच्छे से लाइन टच करके लिख पाओगे, ओके दिस इज एच, एच फॉर हैंड, सो दिस इज एच। तो अभी एच आ गया आपको, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, यहाँ पे सब जगह पर आपको क्या लिखना है, एच, ओके। अभी ये क्या है चलो देखते हैं, ये एक वर्कशीट है, इसमें क्या लिखा है, कलर द बॉक्स ऑफ द पिक्चर, नेम दैट स्टार्ट्स विद द गिवन लेटर, राइट द बिगनिंग लेटर्स फॉर द रेस्ट ऑफ द पिक्चर। देखो ये क्या है, एम्बुलेंस, है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा है, कर्सिव में ए लिखा है, लिखा है ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पिक्चर में पहले तो कलर करना है, ओके चलो। और क्या है यहाँ पे, ये सी, पहले तो टिक करना है आपको यहाँ पे, ओके टिक कर देना। ये क्या है, ए फॉर एम्बुलेंस, है ना, तो यस। ये बी फॉर क्या आएगा, बी फॉर बियर, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी। फिर सी फॉर क्या आएगा, सी फॉर कैमल आएगा, तो कैमल में आपको यहाँ पे टिक करना है। डी, डी फॉर क्या होगा, डॉल। ई फॉर अर्थ होगा, है ना, यस। एफ फॉर क्या होगा, एफ फॉर फ्लावर। एंड जी फॉर जिराफ, तो ये जिराफ में टिक करना, एफ फॉर फ्लावर में करना। एच फॉर क्या होगा, एच फॉर हैट, तो हम हैट में करेंगे, ठीक है ना। ये वर्कशीट में आपको यहाँ पर टिक करना है, कलर करना है, या फिर बॉक्स में आप कलर भी कर सकते हो, ठीक है ना। कलर द बॉक्स ऑफ द पिक्चर, नेम दैट स्टार्ट्स विद द गिवन लेटर, ओके चलो यहाँ पे आप कलर करोगे तो भी चलेगा, मैंने टिक किया है। चलो अभी नेक्स्ट वर्कशीट, ये आपको लिखना है, राइट द कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स फ्रॉम ए टू एच, ए से लेके एच तक आपको लिखने हैं। कैसे लिखोगे, यहाँ पे आप कैपिटल लिखोगे ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, जी करोगे ना, यस, जी एंड एच। थोड़ा सा पॉइंट पतला कर देती हूँ, ओके चलो फिर ए, बी, सी, डी, ई, एफ,
जी एच, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अच्छे राइटिंग से लिखना है। हाँ चलो, फिर क्या है यहाँ पे, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच पिक्चर नेम इन द बॉक्स, कैपिटल लेटर ऑन द लेफ्ट एंड स्मॉल लेटर ऑन द राइट एंड मैच देम। देखो यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या लिखना है, कैपिटल, एंड जैसे कि यहाँ पे आएगा ए, यहाँ पे डी फॉर डोंकी, यहाँ पे डॉल्फिन है तो यहाँ पे कौन सा आएगा, स्मॉल डी, ठीक है। यहाँ पे बी फॉर बेल, सॉरी तो यहाँ पे बी कैंसल है, हाँ स्मॉल बी फॉर बेल ऐसे आएगा, ओके। तो फिर आपको ऐसे डी से डी मैच करना है, ऐसे यहाँ पे सारे इसमें आपको लिखना है ना। फ्लावर का क्या आएगा, यहाँ पे कैपिटल लिखना है, यहाँ पे हाउस का एच स्मॉल लिखना है आपको, यहाँ बेल का भी स्मॉल लिखना है, इस तरफ सब स्मॉल, यहाँ पे सब बिग, तो सारे अल्फाबेट लिख के फिर आपको क्या करना है, आपको इससे मैच करना है। जैसे बी फॉर बेल, बी फॉर बियर, एफ फॉर फैन, ऐसे मैच करोगे आप, ठीक है। तो चलो ये पेज में आपको इस तरह से करना है। तो हम अभी 21 नंबर के पेज तक रखते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच तक, ओके। तो ये वर्कशीट की पीडीएफ भी मैं आपको भेजती हूँ, और ये जो बुक है ना उसका फर्स्ट पिक वो भी भेजती हूँ, कि अगर आपको बुक लानी है, बुक में लिखना है तो बुक में भी लिख सकते हो। ये वाली बुक ना मिले, कोई और बुक जिसमें कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल लेटर दी है उसमें भी लिख सकते हो। आपको इसमें से ये वीडियो में से डायरेक्शन सीखना है कि अल्फ़ाबेट को कैसे लिखते हैं, फिर आप कोई भी बुक में लिख सकते हो। ये वाली बुक लानी है तो मॉडर्न में मिल जाएगी, ठीक है। चलो मैं आपको इसके पिक भी भेजती हूँ, ये वीडियो भी के साथ, एंड पीडीएफ भी भेजती हूँ, आप पीडीएफ की प्रिंट निकाल के भी लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो। सभी बच्चों को कर्सिव कैपिटल एंड स्मॉल सीखनी है, उसके बाद मैं आपको कर्सिव राइटिंग में स्पेलिंग लिखना, सेंटेंसेस लिखना भी सिखाऊंगी, ओके। तो चलो आप इसके अच्छे से प्रैक्टिस करो, लाइन कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर लाइन से बाहर जाते हो या रॉन्ग डायरेक्शन में लिखते हो, रॉन्ग लाइन में लिखते हो तो वो गलत कहलाता है कर्सिव में, ओके। तो लाइन याद रखना, कौन सी लाइन में आता है, ठीक है ना, कौन सी लाइन को टच होता है। चलो तो आप इसकी प्रैक्टिस करो, और मैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो बनाऊंगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।